Hello everyone, assalamu alaikum, namaste and sat sri akal. I hope you all are doing great and main bhi bilkul theek hu. Aaj hum log reaction dene wale hain bahut hi zabardast ek plant city jo ki India ki first plant industrial city hai aur it is 2020 ki video aur is city ka naam hai Jamshedpur aur Jamshedpur matlab suna hua lag raha hai such as Pakistan mein bhi might be but it is in इंडिया. और इस तरह की वीडियोस जो है ना आप मुझे सजेस्ट किया करें जिस जिस सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं या फिर आपको लगता है कि ये सिटी इंडिया की खूबसूरत तरीन सिटी है और इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं. सो हम उस पर ज़रूर रिएक्शन देंगे और कमेंट में आप बताइए, अपनी सजेशन दीजिए और मुझे अच्छा लगेगा. सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. सो रिएक्शन देते हैं और फिर बहुत सारी बातें करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. The person you are trying to call is currently busy. Currently busy. Jamshedpur. Ye to real hai. Industrial fourth plant city of India. बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी. और मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जो ग्रीनरी है ना, ग्रीनरी मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी. और मैंने ये नोटिस किया है कि इंडिया में ज़्यादातर जो है वो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, सच एज़ आप जहाँ पर भी देखें, आप महाराष्ट्र में देख लें, आप पुणे में देख लें, आप कोलकाता में देख लें, आप कहीं पर भी देख लें, नॉर्थ ईस्ट वगैरह हर जगह पर ग्रीनरी. केरला में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी, और जमशेदपुर में भी इतनी सारी, गुवाहाटी सिटी, मतलब कि इतनी सारी सिटीज़ हैं जहाँ पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है. मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी जगह होगी जहाँ पर ग्रीनरी नहीं होगी. और ग्रीनरी से जो है आपकी पॉल्यूशन बहुत कम हो जाती है, आबो हवा जो है वो फ्रेश एयर आती है, और उससे लोग जो है बीमार नहीं होते और
सही सेहतमंद रहते हैं। मुझे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है वो इसकी ग्रीनरी है, और सेकंड नंबर पे यहाँ की जो यहाँ की नाइट लाइफ और मतलब कि रोड्स हैं, मॉल्स हैं, इसमें मॉल्स इतने प्यारे प्यारे बने हुए हैं और कलरफुल मल्टीपल जो कलर्स होते हैं उस वो वाले जो मतलब उनसे रोड सजे हुए हैं और पूरा शहर सजा हुआ है। रात में लिटरली ऐसा लग रहा था सच एज जैसे दुबई का वो व्यू हो, दुबई के रोड्स हो, स्ट्रीट हो, इतना साफ सुथरा, क्लीन एंड नीट। तो लिटरली मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और गुवाहाटी सिटी भी मैंने एक एक्सपीरियंस लिया है, वो भी बहुत खूबसूरत शहर है गुवाहाटी। और अगर हम बात कर लें जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर अपने आप में बहुत खूबसूरत है और इसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल प्लान सिटी। सो इंडस्ट्रियल प्लान सिटी का मुझे समझ नहीं आया कि इसमें इन्होंने इंडस्ट्रियल तो कहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल सच एज क्या, मतलब कि इंडस्ट्रियल तो मुझे इसमें कुछ शायद इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया या दिखाया नहीं, सिर्फ मेंशन कर दिया है। और यस, मुझे बहुत अच्छी लगी है और यहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं, बहुत ही साफ सुथरे। और मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, पहाड़ ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि गुवाहाटी सिटी और जमशेदपुर के अलावा महाराष्ट्र, मतलब पूरे इंडिया में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं हर जगह। मतलब इंडिया पूरा पहाड़ों से ही घेरा हुआ है और ये चीज़ मैंने खुद फील की है। मुझे इस तरह के व्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, सच एज जैसे कि टूरिज्म कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ की जो कल्चर है और अट्रैक्शन है, ब्यूटी है, और मतलब नेचुरल ब्यूटी जो होती है वो है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ पर आएंगे, अट्रैक्ट होंगे और लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे, जैसे कि उत्तराखंड है और आंध्र प्रदेश है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहें हैं जो कि लोगों को पसंद आएंगी। और वाइजैग सिटी है जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है, और मतलब लवासा सिटी, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैं। मुझे तो इतने नाम याद हो गए हैं जो कि मुझे आज से पहले कभी नहीं पता था, जब से रिएक्शन स्टार्ट किया है सीरियसली मुझे अब आइडिया हो रहा है कि इंडिया में किस किस तरह की सिटीज़ हैं, क्या क्या नाम हैं, और हर सिटी में अपनी ही खूबसूरती है, अपनी ही एक पहचान है। मुझे तो ये सिटी बहुत अच्छी लगी है, आई होप कि आपको भी अच्छी लगी होगी। आप इस सिटी से बिलोंग करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर नहीं करते तो भी बताएं कि आपने कभी यहाँ पर विजिट किया है, अगर नहीं किया तो क्या फ्यूचर में आप करने वाले हैं, और आपने अगर विजिट किया है तो आपको कैसा फील होता है यहाँ पर और किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है यहाँ का। आपने ये मुझसे ज़रूर शेयर करना है कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मुझे मज़ीद सजेशंस देना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और साथ साथ कमेंट किया करें, मैं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और इवन दो आप लोगों के कमेंट जो होते हैं उससे मुझे ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलती है और ज़्यादा मतलब कि लगता है कि हाँ मुझे वीडियोस बनानी चाहिए मज़ीद। और यस, यहाँ का जो एक और चीज़ था, स्टेडियम बना हुआ है इंटरनेशनल, वो बहुत ही प्यारा बना हुआ है। मतलब कि इंडिया में इंटरनेशनल स्टेडियम्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, मतलब ऐसा हर जगह पर नहीं होता नॉर्मली, यहाँ पर इंडिया में मैंने बहुत सारे स्टेडियम्स देखे हैं और बहुत ही खूबसूरत। अहमदाबाद में भी मेरे ख्याल से है, मैंने देखा था, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पर है। यस, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट कौन सी सिटी पर रिएक्शन देना चाहिए या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा, पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।